नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आस्था के एक ऐसे मतलब बिजनेसमैन जिसे कह सकते हैं, जिसने अपनी मतलब दूसरों की आस्था से खिलवाड़ करके अपना घर चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय कुमार नायडू उल्फ कल्की भगवान। जी हाँ, आपने अभी मतलब कुछ खबर ऐसे सामने आई है कि साउथ के ये लोग हैं जिनका नाम है विजय कुमार नायडू, जो अपने आप को भगवान विष्णु का 10वां अवतार बताते हैं। जी हाँ, भगवान विष्णु के 10वां अवतार खुद को बताने वाले विष्णु कुमार नायडू उल्फ कल्की भगवान अपने आप को कल्की भगवान बताते हैं। तो उनके बारे में कुछ राज, कुछ उनके पास्ट यानी बीते हुए कल की कुछ मैं आपको बताऊँगा, क्या है वो, क्या थे और कैसे वो अपने आप को भगवान बताते हैं। तो दोस्तों, ये आस्था से जो खिलवाड़ किया जा रहा है आजकल, तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह हम लोग अभी कलयुग के युग में जी रहे हैं, जिस तरह एक ही सहारा है भगवान का नाम, उस तरह से लोग अपना घर चला रहे हैं भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर। जो इंसान खुद को भगवान बताने वाला कल्की भगवान, उसका मैं कुछ आपको पास्ट बताऊंगा, कुछ पर्दाफाश करूंगा, जिसे आप देखोगे और आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। मैं ये आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, अपने पेरेंट्स के बीच, अपने फैमिली के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने जो भी रिलेटिव है उसके बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि जो आस्था से खिलवाड़ करते हैं उसका कुछ नहीं हो सकता, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल भी हो, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जो बजा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, विजय कुमार नायडू उल्फ कल्की भगवान का पास्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उनका नाम सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि पता मैंने बता दिया कि विजय कुमार नायडू था, और वो सबसे पहले क्लर्क थे। जी हाँ, LIC में वो एक क्लर्क थे। क्लर्क का काम से उन्होंने स्टार्ट किया था। क्लर्क का काम स्टार्ट करने के बाद से जब वो अचानक छोड़ दिए, उनको मतलब कुछ लगा कि मैं नहीं करना चाहता ऐसा कुछ, तो उन्होंने छोड़ दिया अचानक। उसके बाद से उन्होंने अपने आस्था पे काम करना स्टार्ट किया। आस्था पे काम करने के बाद अचानक वो गायब हो गए, मतलब कहते हैं ना, अंतर्ध्यान हो गए, जैसे कुछ कहीं चले गए, कुछ मतलब ऐसे जगह चले गए कि कोई उनको देख नहीं पाया, और उसके बाद से ही खेल स्टार्ट हुआ। उसके बाद से ही उन्होंने अचानक आकर के सभी के सामने वो बताने लगे कि मैं एक विष्णु भगवान का 10वां अवतार हूँ, मेरा नाम कल्की भगवान है, और वो इस नाम से वो अपना प्रचार करने लगे, एक संस्था छोटी सी चलाने लगे। जब वो नहीं चला, फिर से वो कुछ दिन बाद फिर से आए, फिर से वो चलाने लगे, और इसी तरह चलाते चलाते उनका एक गैंग बन गया, मतलब उनका एक क्या कहते हैं उसको, कि अपना एक संस्था के हिसाब से उन्होंने ऐसे ऐसे लोग बनाए, अंधविश्वासी लोग, जिसको मतलब अंधविश्वास के मतलब एक रास्ता से उन्होंने सबको बहलाया फुसलाया, और इसी तरह से वो चले गए। तो दोस्तों, एक ये भी कारण होता है कि हम लोग जो जिस युग में जी रहे हैं कलयुग में, वहाँ पर अगर कोई भी इंसान आकर के आपको कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातें कह दे जिससे आदमी आराम से फिसल जाता है, बहल जाता है और उस पर विश्वास करने लगता है। तो दोस्तों, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ये सब। तो दोस्तों, मैं ये सभी से निवेदन करूँगा जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, कि प्लीज़ आप किसी पे विश्वास मत करना, क्योंकि जो इंसान अभी जी रहा है वो मरेगा भी, और भगवान कभी मरते नहीं हैं। और ये इंसान है, ये कलयुग है, ये मतलब कहते हैं ना कि ये मर्म भूमि है, और यहाँ पे जो भी आया है वो मर के ही गया है, भगवान कभी मरते नहीं हैं। भगवान आपके अंदर है, आपके आस्था है, आप जिसे पूजते हो वो भगवान है, जो पत्थर को आप पूजते हो वो भगवान है, वो उसके रूप स्वरूप में है वो। तो दोस्तों, इंसान कोई भगवान नहीं, जो कहता है आपको मैं भगवान हूँ वो गलत कहता है, आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये बता दूँ आपको, जिस तरह से उनके ऊपर रेट पड़ा है, जिस तरह से उनको आयकर विभाग का रेट पड़ा है, उससे बहुत सारे संपत्ति का पता चला है, बहुत सारे कैश, बहुत सारे डॉलर, बहुत सारे ज्वेलियाँ, यहाँ से 500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति उनसे बरामद हुई, और वो अभी मतलब अभी नज़र नहीं आया। उनका एक जस्ट एक वीडियो आया है कि मैं कहीं छिपा नहीं हूँ, बस मैं अंतर ध्यान में हूँ, मैं जल्दी ही आऊँगा, ऐसे करके उनका एक वीडियो आया है। तो दोस्तों, ये एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ी मतलब क्या कहते हैं नीची हरकत है, कि भगवान को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। भगवान मतलब सबका आस्था से जुड़ा हुआ है, सबके मन से जुड़ा हुआ है, आप किसी को ठेस नहीं लगा सकते हो। जो जैसे कि जो मतलब सच्चे गुरु होते हैं, या फिर जो मतलब
क्या कहते हैं उसको, जो एक सच्चे ज्ञानी होते हैं, जो एक मतलब गुरु होते हैं, उनके ऊपर ये सवाल चिन्ह उठ जाता है। जैसे ऐसे लोग जब आते हैं समाज में, ऐसे लोग जब आते हैं जब उनका पर्दाफाश होता है, तब हम लोग दूसरे के ऊपर भी शक करना लगते हैं, कहीं वो ये भी तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, सबसे ज़्यादा शेयर कर देना इसको, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।